कहा है कि 2025 में फैसला होगा, इसको लेकर काफी हंगामा है। तो काहे का हंगामा है? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हमने जो कहा है उसमें विरोधाभास कहाँ है? हाँ, हंगामा करने वाले कुछ मीडिया हैं जिनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी भी चीज को गलत ढंग से पेश करना, किसी भी चीज को गलत ढंग से पेश करना। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहाँ विरोधाभास है? 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है? तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहाँ से होगा? हमने भी वही कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यही ना कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो चुनता है विधायक लोग ना, जब विधायक बैठता है वो विधायक ने चुनता है मुख्यमंत्री, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यही ना कहा है मुख्यमंत्री जी ने। हमने कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा, तो विरोधाभास कहाँ है? आरोप ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो होंगे, आपका ये तो, आपके बयान को इस तरह से, अरे भाई तो अरे तो उनका वो आप फैसला होगा, अभी हुआ नहीं है, नहीं फैसला नहीं होगा, इस पर निर्णय तो 2025 में ना होगा, चुनाव जब घोषित होगा तब ना होगा कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 2000 विधानसभा का चुनाव है कि हम लोग घोषणा कर दें कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़, कोई विरोधाभास नहीं है। ये कुछ मीडिया जो है उनका अपना एजेंडा है, तो वो अपने एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं, उनका काम ही है यही, क्योंकि चौथा स्तंभ तो वो रहे नहीं लोकतंत्र के। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को इसलिए माना जाता था कि मीडिया निष्पक्ष होता था। आज का मीडिया के पूरे व्यवस्था कुछ जो व्यापारिक घराने हैं उनके नियंत्रण में है, तो उनके नियंत्रण में है तो उनके नियंत्रण में रहेगा, और वो व्यापारी घराना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे है, तो उसका कहां से निष्पक्ष रहेगा? तो निष्पक्ष इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अब मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का नहीं बचा है, वो निष्पक्ष नहीं बचा है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ क्या डील हुई है, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, साथ में जेडीयू को बर्बाद करने में आप लगे हुए हैं, ऐसा गंभीर आरोप। जेडीयू तो मजबूत हो रहा है, बर्बाद तो उनको दिख रहा है, इसलिए उनको कहीं जाना है। वो 3-4 महीना से दिल्ली कितना बार आए, किससे मिले, किससे मिलने के लिए आए, कहां उनका क्या बात चल रहा था, ये सब हम लोगों को जानकारी है। तो इसलिए हम कहते हैं कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, उनका निगाह तो कहीं था कहीं जाने का, और निशाना लगा रहे हैं जेडीयू कमजोर हो रहा है। अरे जेडीयू 72,000 सदस्य बनाया, 72 लाख जेडीयू ने सदस्य बनाया, उसमें उनका कितना योगदान है? अभी तो थे जेडीयू में कल तक, तो उनका कितना योगदान है मजबूत करने में? अरे अपने आप को मजबूत करने में वो लगे हुए हैं। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ बोल रहे हैं, अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ पटना में खीर बना रहे थे, भाषण है उनका कि जदुवंशी का दूध और कुश का चावल मिलके खीर बनेगा, तो उनकी अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जो है अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है उसका यही असर होता है। अब उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, उनको चले गए बहुत बढ़िया है, शुभकामना है उनको जहां जाएं, लेकिन जहां गए हैं वहां भी कुछ दिन टिके रहें, क्योंकि टिकते नहीं है वो। कल के सर्किट हाउस में जाके तेजस्वी जी से बंद कमरा में बात की है जब एनडीए छोड़ना था,
पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में खीर बना रहे थे। देखिए ये तो सभापति का निर्णय है, उस पर हमको कुछ नहीं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना, लेकिन हमको एक बात बताइए कि इस देश में लाखों गरीबों का जिन्होंने LIC में जीवन बीमा में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा अंधकार में चला गया, स्टेट बैंक का हजारों करोड़ रुपया डूब रहा है, एक दिन में LIC को भारतीय जीवन बीमा निगम को 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब इस पर अगर कोई लोकतंत्र में कोई सांसद अगर चर्चा की मांग करता है, जांच की मांग करता है, तो कहां से दोषी हो जाएगा? तो लोकतंत्र है ना, अधिनायक बात तो है नहीं, लेकिन अभी समय वही है। हम लोगों ने 1975 का आपातकाल भी देखा है, जब घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है और उससे भयावह स्थिति में CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, प्रिविलेज है, अलग अलग ढंग से निर्णय है, तो ये सब अघोषित आपातकाल की स्थिति है। और चिंता मत कीजिए, देश की जनता बहुत सजग है और बहुत समझती है, बोलती नहीं है, समय पर उसका जवाब देती है और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।